दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। और ये जो वीडियोस है मैं सीरीज में अपलोड करूंगा, और ये जो वीडियोस सारी आएगी ये क्लास 12th के जो बच्चे हैं नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, या फिर जेई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए बेनिफिट रहेगी। अगर हम बात करें क्लास 12th में जो चैप्टर है 5 मार्क्स का है, और नीट के एग्जाम में और जेई का जो एग्जाम होता है उसमें 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों, सॉलिड स्टेट में आपको पता है कि जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो सबसे पहले हम वो समझेंगे। आपने 9th और 10th क्लास में पहले से समझ रखा होता है कि जो मैटर है उसको हमने 3 भाग में बांट रखा होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। अब 2 और पढ़ लेते हो, जैसे बोस आइंस्टाइन होता है और एक प्लाज्मा होता है। लेकिन हम बहुत सारी चीजें कवर नहीं करेंगे, हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो सॉलिड स्टेट है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और हमने सॉलिड को कितने भागों में बांट रखा होता है। ठीक है दोस्तों, तो सॉलिड स्टेट में सबसे पहले हम समझते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक। तो आपको पता है जो सॉलिड है वो क्या होता है, उसका शेप क्या होता है, फिक्स होता है। वॉल्यूम भी क्या होती है, फिक्स होती है। तो इसमें सबसे पहले हम लिख सकते हैं फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप। अब दोस्तों, ऐसा होता क्यों है कि जो सॉलिड है उसका फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स शेप होता है? तो आपको पता होगा रीजन, इसका होता है हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा होता है, और उससे कम किसमें होता है, लिक्विड में, और सबसे कम किसमें होता है, गैस में। तभी आपको पता होगा जो गैस के पार्टिकल्स है वो फ्रीली मूव करते हैं एयर में, क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में होता है वो सबसे कम होता है। अब दोस्तों, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, इसकी वजह से जो सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, मतलब एटम जो है, वो पास पास में होते हैं बहुत। तो हम लिख सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, और इससे ज्यादा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस किसमें होता है, लिक्विड में, और सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस किसमें होता है, आपको पता है, गैस में होता है। और दोस्तों, आपको ये भी पता होगा जो सॉलिड है वो कंप्रेसिबिलिटी उसकी क्या होती है, लगभग नेग्लिजिबल होता है। अब मान लिया आपके पास टेबल है, तो क्या टेबल को आप कंप्रेस कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, जो कंप्रेसिबिलिटी है वो क्या है, बहुत लो है। तो हम लिख सकते हैं नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। और एक पॉइंट और हम लिख सकते हैं कि जो सॉलिड्स है उसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो हम लिख सकते हैं हाई डेंसिटी। तो ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे मैंने सॉलिड्स के, जो आपको पता भी होंगे बहुत सारे। तो ये मतलब बेसिक सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था कि मैंने आपको बता दिया कि सॉलिड्स जो है उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो और क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जो मेन चीज हमको समझनी है क्लास 12th के ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें ये समझना है कि सॉलिड को हमने कौन कौन से भागों में बांट रखा है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम समझते हैं कि किस किस भागों में सॉलिड को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में हमने सॉलिड को 2 भागों में बांट रखा होता है, आपने सुना भी होगा नाम, एक होता है अमरफस और एक क्या होता है, क्रिस्टलाइन। ठीक है, तो 2 है, एक है अमरफस सॉलिड्स और दूसरा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो दोस्तों, आप ये भी जान लो कि ये जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं सॉलिड का, किसके बेस्ड पे कर रहे हैं, तो ये हम कर रहे हैं अरेंजमेंट के बेस पे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स हम ऐसे लिख लेते हैं, बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है,
तो एक सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब क्या है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयंस भी, मतलब किसी भी सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज है उसके बेस पे हमने सॉलिड को क्लासिफाई कर रखा है। कौन कौन से पार्ट में, एक होता है अमर्फस सॉलिड, तो दूसरा कौन सा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब आपको समझना है कि मेन डिफरेंस क्या है अमर्फस सॉलिड में और क्रिस्टलाइन सॉलिड में। आपने इलेवंथ में भी पढ़ा होगा क्रिस्टलाइन वर्ड बहुत बार यूज होता है, अगर आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में देखोगे तो वहां पे आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो दोस्तों जो अमर्फस सॉलिड है उसे हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। या फिर आप बोल सकते हो रैंडम अरेंजमेंट होती है इसके अंदर, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो रैंडम अरेंजमेंट। रैंडम अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, इरेगुलर की जगह क्या होगा, रेगुलर होगा, ठीक है, एक फिक्स्ड होगा अरेंजमेंट। हम इसमें लिखेंगे रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, एक फिक्स अरेंजमेंट होती है, फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब मैंने आपको बता दिया कि सॉलिड के अंदर वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। अब आप इसको समझो थोड़ा ध्यान से, मतलब मैंने क्या बोला है, अमर्फस में रैंडम अरेंजमेंट होती है किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। तो अब मान लिया आपके पास एक ये सॉलिड है और ये एटम से बना है, ठीक है, और इसमें जो है एटम कौन कौन से, एक ए एटम से बना है और कौन से एटम से बना है, बी एटम से, ठीक है। तो मैंने क्या करा यहां पे, देखो ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर ए लिखा, ठीक है, फिर क्या लिखा, ए लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर मैंने इसमें देखो क्या लिखा, बी लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर बी लिखा, फिर ए लिखा, फिर बी लिख दिया। इसमें मैं लिख रहा हूं ए बी, फिर मैंने लिख दिया बी। अब मैं यहां पर बना रहा हूं क्रिस्टलाइन सॉलिड का, इसमें मैंने एटम बनाए, और इसमें भी मान लिया मैंने ए और बी एटम से मिलकर क्या बनाया, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाए। तो यहां पे देखो मैंने क्या करा, ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर ए लिखा, फिर बी, फिर ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर यहां पे ए लिखा, ठीक है, फिर बी लिखा, देखो फिर ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर ए, फिर बी लिख दिया, फिर यहाँ पे B लिखा, फिर A, फिर यहां लिखा B, फिर A, फिर B, फिर A लिखा। तो इस दोनों में आप फर्क देख सकते हो, अमर्फस सॉलिड में क्या हो रहा है, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, A के बाद B है, फिर A है, फिर A आ गया, फिर दोबारा A आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड में तो फिक्स्ड पैटर्न है, A के बाद B है, फिर A आया, फिर B आया, फिर A आया, फिर B आया, मतलब ए बी का पैटर्न आ रहा है। यहाँ पे दूसरी वाली लाइन में देखो ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी, फिर थर्ड वाली लाइन में देखोगे तो बी ए, फिर बी ए, फिर बी ए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एक फिक्स्ड पैटर्न को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। लेकिन अगर बात करो अमर्फस सॉलिड में तो यहाँ पे क्या, इरेगुलर अरेंजमेंट में कुछ भी ऑर्डर फॉलो हो रहा है, मतलब कुछ भी है, रैंडम अरेंजमेंट है। तो जहां पे भी सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वहां पे रैंडम अरेंजमेंट आ जाए, कुछ भी अरेंजमेंट, कैसे भी पार्टिकल अरेंज हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अमर्फस सॉलिड बोलेंगे। और कॉन्स्टिट्यूएंट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है, जो पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, एक फिक्स्ड पैटर्न में अरेंजमेंट होती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो दोस्तों ये तो बेसिक क्या है, डेफिनेशन, मतलब ये जो मेन डेफिनेशन चीज थी जो अमर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में, वो चीज मैंने आपको समझा दी। अब इन दोनों के बीच में जो प्रॉपर्टी का डिफरेंस होता है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और पेपर में पूछा भी जाता है कि अमर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो प्रॉपर्टी का जो डिफरेंस है वो आप बताओ।
तो अब हम समझते हैं कि प्रॉपर्टी का डिफरेंस क्या है। उससे पहले हम थोड़े एग्जांपल समझ लेते हैं अमरफस सॉलिड का और क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो आप जितने भी सॉलिड देखते हो ज्यादातर क्रिस्टलाइन सॉलिड में जितने भी मेटल्स है जैसे आयरन का मेटल है, निकिल है, कोबाल्ट है, गोल्ड है, ये सब क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है, आयनिक में अगर आप बात करो तो NaCl हो जाएगा, H2O सॉलिड हो जाएगा, ये सारे क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन अगर आप बात करो अमरफस सॉलिड की तो इसके एग्जांपल होते हैं ग्लास हो गया आपके पास, ठीक है, रबड़ हो गया, पॉलीमर हो गया, ये सारे क्या होते हैं? अमरफस सॉलिड होते हैं। ठीक है, अब समझते हैं हम इसके दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है। तो हम समझते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में और अमरफस सॉलिड में जो डिफरेंस है वो क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले जो डिफरेंस है मैंने आपको पहले ही समझा दिया, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट होती है। तो पहला पॉइंट लिख लेते हैं इसमें, रेगुलर अरेंजमेंट। और इसमें अमरफस सॉलिड में आपको पता है क्या होता है? इरेगुलर अरेंजमेंट। दूसरा पॉइंट ये है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है, हम बोल सकते हैं शार्प, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और यहां पे जो है अमरफस सॉलिड उसमें हम क्या बोलेंगे? दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखो, जैसे मान लिया आपके पास आयरन है तो आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लगभग कितना होता है? 1547 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर आप आयरन को मेल्ट करोगे तो वो क्या होएगा? इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे पूरा का पूरा जब तक मेल्ट नहीं होता वो टेम्परेचर उतना ही रहेगा। सिंपल सी बात है, अगर कोई आपके पास सॉलिड है, ठीक है, जैसे आप मान लिया वॉटर है, मान लिया वॉटर को आप वेपराइज करते हो तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वॉटर क्या होता है? वेपर में कन्वर्ट होने लग जाता है। और जब तक पूरा वॉटर लिक्विड में नहीं कन्वर्ट रहेगा वॉटर का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। बिल्कुल वैसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर आप मेल्ट करते हो तो जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है उसी टेम्परेचर को पूरा का पूरा किस में चेंज होने लग जाएगा? लिक्विड में चेंज होने लग जाता है। मतलब फिक्स्ड रहेगा जब वो सॉलिड से किस में जाएगा? लिक्विड में जाएगा। लेकिन अगर आप अमरफस सॉलिड को हीट करते हो, मेल्ट करना चाहते हो, मान लिया रबड़ है आपके पास, कोई गिलास है, तो अगर आप उसको हीट करते हो तो उनका कोई फिक्स्ड नहीं होता। मान लिया 20 से 25 डिग्री सेल्सियस किसी भी एक टेम्परेचर पे जाके वो मेल्ट होता रहता है। तो इनका कोई देखो फिक्स टेम्परेचर नहीं है, किसी भी एक टेम्परेचर पे जाके वो क्या करेगा? मेल्ट हो जाएगा। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसी की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन भी बोलते हैं। जो थर्ड पॉइंट यही है, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब यही है कि शार्प क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है। और इनका क्या होता है आपको बताइए? डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है? फिक्स नहीं होता है। लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखा है, तो यहां लिख देते हैं दे डू नॉट हैव फिक्स्ड, या फिर आप लिख दो दे डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं? एनआइसोट्रोपिक। ये वेरी इंपॉर्टेंट जो मेन पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, दे आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि एन आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है। और जो अमरफस सॉलिड है वो कैसे होते हैं? आइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है, ये जो पॉइंट है आइसोट्रोपिक वाला और एन आइसोट्रोपिक वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम समझेंगे इन दोनों का मतलब क्या है। तो फिफ्थ पॉइंट ये है कि इनको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं, और अमरफस सॉलिड को क्या बोलते हैं? हम सूडो सॉलिड्स। सूडो सॉलिड का मतलब क्या? झूठे। ठीक है, ये असलियत में सॉलिड होते हैं, ये दिखावा करते हैं एक तरीके से अमरफस सॉलिड्स, या फिर हम क्या बोलते हैं इनको? सुपर कोल्ड लिक्विड्स। सुपर कोल्ड लिक्विड्स। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि जो अमरफस है उसको हम क्यों बोलते हैं सुपर क्यूल्ड लिक्विड्स। कभी आपने देखा होगा कि जो विंडो है आपके पास, मान लिया ये आपके पास विंडो है,
ठीक है। तो विंडो में आप क्या देखोगे, बहुत पुरानी हो जाती है विंडो, तो विंडो का जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो क्या हो जाता है, ऊपर वाले पोर्शन से थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन भी आता है ऐसा कि जो विंडो है उसका जो नीचे वाला जो पोर्शन है वो थिक क्यों हो जाता है, तो इसी वजह से हो जाता है कि एमर्फस सॉलिड होता है वो जो ग्लास है, ठीक है। विंडो किससे बना हुआ है, ग्लास से बना हुआ है, और ग्लास क्या होता है, एमर्फस सॉलिड होता है। और एमर्फस सॉलिड के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की, क्योंकि भाई वो सॉलिड तो है नहीं प्योर, इनको हम क्या बोल रहे हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स, दे हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो। तो अगर ये ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगा, आप सोचो ये ग्लास था, ये ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगा, जो नीचे वाला पोर्शन है वो ऊपर वाले से क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, इसीलिए जो ग्लास है वो क्या हो जाता है, नीचे वाले पोर्शन से क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। तो सिंपल सा रीजन आपको लिखना क्या है, क्योंकि वो एमर्फस सॉलिड है और एमर्फस सॉलिड के पास टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, बिकॉज दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड्स और सूडो सॉलिड्स। ये पेपर भी सीबीएसई में बहुत पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो ग्लास है उसके अंदर मिल्की नेचर आ जाता है, ठीक है। आपके पास जो ग्लास है उसके अंदर क्या आ जाता है, मिल्की नेचर आ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो एमर्फस सॉलिड में जो थोड़ा बहुत क्या होता है, क्रिस्टलाइन नेचर आ जाता है। जो गिलास है वो देखो दिन में क्या होता है, गर्म होता है, और रात को क्या होता है, ठंडा होने लगता है। तो ये प्रोसेस क्या होता है, बार बार होता रहता है, दिन में गर्म हो रहा है, रात को ठंडा हो रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अनीलिंग, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, अनीलिंग। इस वजह से ग्लास के अंदर थोड़ा बहुत क्या आ जाता है, क्रिस्टलाइन करेक्टर आ जाता है, और क्रिस्टलाइन करेक्टर की वजह से जो ग्लास है उसके अंदर कौन सा नेचर आ जा रहा है, मिल्की नेचर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि आपके पास जो ग्लास है उसके अंदर मिल्की नेचर आ जाता है, तो उसका आंसर आप क्या लिखोगे, ग्लास दिन में गर्म होता है, रात को ठंडा होता है, और ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है, जिसे हम अनीलिंग बोलते हैं। और उसकी वजह से ग्लास के अंदर थोड़ा बहुत कौन सा करेक्टर आ जाता है, क्रिस्टलाइन करेक्टर, और क्रिस्टलाइन करेक्टर की वजह से ही उसके अंदर कौन सा नेचर आएगा, मिल्की नेचर। क्योंकि दोस्तों जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जनरली मिल्की होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो सिक्स पॉइंट और लिख सकते हो, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है उनका, और इसमें आप क्या लिखोगे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्या मतलब होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर का और शॉर्ट रेंज ऑर्डर का, वो हम समझते हैं। इसमें अब मैं आपको दो चीज समझाऊंगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है, और ये जो मैं आपको बोला एनआइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक का क्या मतलब होता है वो समझते हैं।